इफ रूट फाइव टेन थीटा इक्वल्स टू फाइव साइन थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ रूट फाइव, साइन थीटा को मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको लिख सकता, टेन थीटा को चेंज करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपन में कोस थीटा इक्वल्स टू फाइव साइन थीटा। अब आप देखोगे कि साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, रूट फाइव अपन में फाइव। और कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस। अगर बेस कितना है, रूट पाँच है, हाइपोटेनस पाँच है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाँच के स्क्वायर पच्चीस माइनस पाँच बीस करेंगे ना, बीस करेंगे कितना हो जाएगा टू रूट फाइव, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टू रूट फाइव। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, हमसे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो भाई, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, यानी कि टू रूट फाइव का हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा चार, और गुना पाँच करेंगे कितना हो जाएगा बीस, बीस बट में ये हो जाएगा कितना आपका पाँच, माइनस का कोस का अगर सेम चीज़ हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, बेस अपन में हाइपोटेनस, यानी कि ये हो जाएगा पाँच, और पाँच के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा पच्चीस, तो बीस माइनस पाँच करेंगे कितना जाएगा पंद्रह बटे पच्चीस, जो कि हो जाएगा कितना आपका तीन बटे में पाँच। तो वैल्यू कितनी आएगी, तीन बटे पाँच आएगी, ऑप्शन नंबर वन।